चित्तवर्ग तीसरी गाथा दुर्निग्रहस लहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस दंथो साधुचित्तम दंतम सुखावहम। दुर्निग्रहस, चित्त कैसा है? दुर्निग्रह है, कठिनता से वश में होता है। लहुनो, शीघ्रगामी है, तेज भागता है। और इतना ही नहीं, यथा काम निपातिनो, यथा काम निपातिना अर्थात वह जहाँ चाहता है भाग जाता है। चित्तस्य दमथो साधु, चित्तस्य दमथो, चित्त का दमन, चित्त को वश में कर लेना साधु है, उत्तम है। अतएव चित्तम दंतम सुखावहम, चित्तम दंतम, दमित चित्त, संयमित मन, स्वश मन, सुखावहम, सुखद होता है। जो कठिनता से वश में होता है जल्दी से भागता है, और जहाँ चाहता है दौड़ जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमित चित्त सुखदायी होता है। गुरुदेव जी इस गाथा की भाष्य करते हुए फ्रायड की याद करते हैं, बहुत बड़े मनोविज्ञान के जगत में बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में इनके विचार फैले हैं। मानसिक अपराधियों के चिकित्सक थे। उनका यह कहना कि मन रोकना ठीक नहीं है। गुरुदेव जी लिखते हैं एक सीमा की बात है, एक स्तर के लोगों के लिए है। किसके लिए है? जो मन में विषय वासना का चिंतन कर रहा हो और इंद्रियों को रोक रखा हो, उनके लिए बात है। लेकिन ऐसे लोग भी यदि लौकिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे और संयमित नहीं रहेंगे, तो फिर उनके भी जीवन में कठिनाई होगी। प्रकृति द्वारा दंड, शारीरिक, मानसिक, विभिन्न प्रकार के उनको कष्ट हो सकते हैं। यह वास्तविकता है कि जो मन से लंपट है वह ब्रह्मचर्य का ढोंग न करे, ये गुरुदेव जी का वाक्य है। यह वास्तविकता है कि जो मन से लंपट है वह ब्रह्मचर्य का ढोंग न करे, वह विवाह करके गिरी मर्यादा से रहे। कोई भी साधक जब साधना पथ में चलता है, संकल्प लेता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, साधना पथ में चलूंगा, क्या इसके बाद कभी भी मन में कोई विकार नहीं आता है? ऐसा नहीं है। मन में विकार आने की संभावना है और आता भी है। ये अनादिकालीन जो संस्कार धसे हुए हैं, पंचग्रंथि में बात आई है, नारी मोहै पुरुष सो, पुरुष बसी सो होए, बड़ी परस्पर लाग है जीव विकल रह सोए। वासना से ही तो शरीर खड़ा है, दो वासना वशी जीवों के ही सम्मिलन से शरीर का निर्माण हुआ है। तो फिर वासनाओं का पुनर्जागरण असंभव नहीं है। लेकिन साधक का काम क्या है? उल्टी चढ़ाई है, जिसको मीन मार्ग कहते हैं। बात यह है कि वो विचार आए, लेकिन काम क्या है? उसे मार्गांतरीकरण किया जाए, उसको परिवर्तित किया जाए। साधक का काम यही है। बीजक में आप पढ़ेंगे काम को वैराग्य में, और
क्रोध को भक्ति में, लोभ को ज्ञान में, ऐसे ही साहब ने कहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा मन जा रहा है, हमारी जो ऊर्जा है वहाँ खपत हो रही है, उसे हटाना है, दूसरे क्षेत्र में ले जाना है। तो हम स्वतंत्र हैं इस बात को लेकर के, और हम में वो शक्ति है, हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। जो सत्संग, गुरु सेवा, स्वाध्याय तथा साधना से अपने भीतर विवेक जगा सकता है, वह मन को वश में कर सकता है। गुरुदेव जी लिखते हैं, एक धार्मिक चोंगे में उन्मादी संस्कार के व्यवसायिक प्रवक्ता भी कहते घूमते हैं कि मन का रोकना पाप है, परंतु वे स्वयं एक दिन भी मन न रोकें, उसके मन में जो भावना उठे वैसे ही कर्म करने लगें तो जुतियाए लतियाए जाएंगे। अतएव मन को सबको रोकना है। निरंतर साधना द्वारा ज्ञानोदय हो जाता है और मन की अविद्या मिट जाती है, फिर मन स्वयं स्वस्थ हो जाता है, परंतु इसके पहले उसे स्वस्थ करने के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है, या पक्का निश्चय होना चाहिए कि स्वस्थ चित्त संयत चित्त सुखदायी होता है। मई का मौसम है, टेम्परेचर 45-46 है, बाहर धूप में खड़े हैं, और ये पूछें कि ये गर्मी कम कैसे हो, सूर्य को थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ये प्रश्न ही गलत है। गर्मी है, सूर्य की तेज गर्मी है, धूप है, लेकिन आप अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उस गर्मी से राहत पा सकते हैं, छाया में आ जाएं, अपने कमरे में आ जाएं, कूलर चला लें, एसी चला लें। सूर्य को ठंडा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं, कमरे को ठंडा कर सकते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, आप शिकायत करें, ये बादल को समझाओ, ये बारिश कम करें, बारिश न करें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उस बारिश से अपने को बचा सकते हैं, कम से कम छाता तो लगा ही सकते हैं, छाता लगा सकते हैं। ऐसे ही कोई कहे कि मन चंचल है, मन के वश नहीं हो रहा है, मन की चंचलता उसका स्वभाव है, ये आप समझ लें। आप ये चाहेंगे कि मन को ऐसे पकड़ लें जैसे किसी जानवर को पकड़ के रख लेते हैं, वैसे ही ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैंने कई बार कहा, या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है, वो सोचेगा ही, तभी तो मन की उपस्थिति होगी, वो स्मृति करेगा, कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, ये कैसे नहीं हो सकता है। बात तो यहाँ पर यह है कि जो हम चाहते हैं उसके अलावा कुछ और सोचने लग जाते हैं, अच्छे विचार आने लगे, क्या तकलीफ है, फिर बढ़िया विचार आ रहे हैं। देखिए, समाधि की बात अलग है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, यदि आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी है, बढ़िया है, सब कुछ है, क्यों हटाना चाहेंगे आप, बढ़िया रहेगा। वो तो बात यह है कि राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, काम, क्रोध, और उसको लेकर के बेचैनी, अभी पढ़े थे ना उसके पहले, मछली को जैसे थल में ला दें खींच करके पानी से तो तड़पती है, ऐसे ही जब इन विकारों के जाल में मन उलझा होता है, हम उलझे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कब इससे बाहर निकले, कब शांति के सागर में जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है, तो उसका कोई तो कारण होगा गड़बड़ सड़बड़ आने का। जग्गी वासुदेव जी ने एक जगह कहा, बहुत बढ़िया कह रहे थे, कि जैसे डायरिया होता है ना, अब खा लिए हैं खुद भी, गलत चीज खा लिए हैं, अब पेट से क्या हो रहा है, बार बार दस्त है, बार बार शौच जाना पड़ रहा है,
इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है गलत चीज खा लिए हो, गलत चीज खा लिए हो, और सही चीज खाए हो, सही पाचन प्रणाली है, बढ़िया से हो रहा है, तो कैसे करोगे? क्यों खराब, क्यों क्यों उसके लिए दवाई करोगे? वो तो गलत चीज खा लिए हो ना, इसलिए वो डायरिया हो रहा है, बार बार आपको दस्त जाना पड़ रहा है। ये जो बार बार जो मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो आपने लिया क्या है? गलत चीजें ली है, तो सावधानी वहां तो चाहिए। और इसको कह रहे हैं मन वश में नहीं हो रहा है, मन चंचल है, मन चंचल है, सूर्य को ठंडा करो, बादल को समझाओ। हमारा होना केवल मन का होना नहीं है, हमारे होने के चार आयाम हैं। कई बार मैंने कहा, एक है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, दूसरा है मस्तिष्क, मन, हृदय, हार्ट, भावनाओं का स्तर, और आत्मा, चेतना जहां है, ये चार हैं। अब मन का काम है विचारना, सोचना, कुछ भी, और हृदय का काम क्या है? वो भावनाओं का स्तर है, और ये सब बदलते रहते हैं। आप देखें सुबह से शाम तक के विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, भावनाएं, कभी क्रोध के, क्रोध का भाव आया, कभी प्रेम का भाव आया, कभी द्वेष का भाव आया, कभी नफरत का भाव आया, कभी मैत्री का भाव आया, ये सब क्या है? ये सब परिवर्तनशील है, अस्थिर है, भावनाएं भी अस्थिर हैं, मन भी अस्थिर है। अब उसको लेकर के आप उसको जबरदस्ती करना चाहें, आप वही क्यों अपनी शक्ति लगा रहे हैं? आप जगह बदल दीजिए, दूसरी जगह आ जाइए। जैसे नदी किनारे कहीं कहीं देखे होंगे, अभी पिछले समय में बिहार गया था, तो नदी तट में झोपड़ियां बहुत थी, अब बिल्कुल, और वहां नदी में पत्थर रखे जा रहे थे, बांध बनाए जा रहे थे, ताकि वो बाढ़ से रोक सके। और कई बार सुना, वहां सुना कि कई बार बाढ़ आती है और सब बह जाता है, जानवर, लोग भी, और झोपड़ी तो बह ही जाती है। प्रशासन फिर क्या करती है? उन लोगों फिर अलग ले जाके बसाती है वहां जा करके। कुछ महीने के बाद बाढ़ की त्रासदी खत्म होती है, झोपड़ी ले जाके फिर वही बनाते हैं, फिर वही बनाते हैं। वहां क्यों नहीं रह लेते हैं, जहां अलग, बाढ़ की सीमा से दूर अलग, वहीं जा करके रहते हैं, और भी जगह है। ऐसे ही आप सुने होंगे उत्तरी ध्रुव में एस्किमो रहते हैं, जहां -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां बर्फ इतनी होती है कि हरियाली का तो नाम ही नहीं, बर्फ कहीं उनके मकान होंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था, वही सब जानवर को मार के खाते हैं। अब वो वही रहे, ऐसा कोई ऊपर से प्रतिबंध थोड़ी है। देखिए कोई, मैं इसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं साधना की दृष्टि से उदाहरण दे रहा हूं, कोई राजनीतिक और कोई कारण हो सकते हैं। वैसे ही रेगिस्तानी है, रेगिस्तान में प्यासे पानी की बड़ी किल्लत होती है, कई लोग गरीब होते हैं, ऊंट उनकी संपत्ति होती है, और ये भी मैंने पढ़ा सुना है कि कई बार प्यास इतनी लगती है कि ऊंट को वो मार करके उसके पेट के पानी को पीते हैं। कितनी बड़ी कठिनाई है जानवर को मारना और उस पानी को पीना। अब उसी रेगिस्तान में रहना, और भी तो जगह है इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है, वहां जाके रह ले, लेकिन वहीं जाके रहना चाहेंगे, वहां उनको आनंद है। हम लोग की दशा भी ऐसे ही है, उसी मन में अपनी शक्ति को लगाते रहते हैं, वही दिलो दिमाग में शक्ति हमारी, जो जीवन ऊर्जा है ना, जो वाइटल फोर्स, जो हमारी जो ऊर्जा है, जिसके द्वारा सारी गतिविधियां होती है, मन से हम सोचते हैं, शरीर से करते हैं, जो भी काम करना था उसी से करते हैं, तो वो जो शक्ति है उसको आप वहीं पर क्यों लगा रहे हैं? आप उसको बदल दीजिए, जगह, स्थान बदल दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए, शरीर के स्तर पर आ जाइए। मैंने कहा ना चार आयाम, एक शरीर का है, मन का है, हृदय का है, और आत्मा का है।
तो क्या करना है, शरीर के स्तर पर इंद्रियों के प्रति आप संवेदनशील हो जाए। इसका मतलब यह हुआ जो भी आप ग्रहण करते हैं, जैसे आप पानी पीते हो, दूध पीते हो, हम सब, मैं भी वही, तो क्या करना है उस समय हम उस पानी को पीने में रहें, पानी का स्वाद लें पूरी तरह से। दूध पीते समय दूध का स्वाद, उसकी सुगंध, हर चीज। भोजन करते समय भोजन का स्वाद, भोजन को चबाना, स्वाद लेना, उसकी गंध को ग्रहण करना, इस पर पूरी तरह से शक्ति लगा दें। कोई भी काम आप भौतिक कर रहे हो, जिस काम में को कर रहे हैं उस काम में आप पूरी तरह से शक्ति लग जाइए, पूरा मन वहां लग जाए, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। क्योंकि वो शक्ति जो मन के तरफ जा रही थी, अब वो कहां चली गई है शक्ति, आपके शरीर में। शरीर में इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो जहां भी ज्ञान ग्रहण करना हुआ, आंख से देखना हुआ तो आंख से देख रहे हैं, चाहे हम तारों को देख रहे हो, सूर्य को देख रहे हो, हरियाली को देख रहे हो, पूरी तरह से देखना शुरू कर दें। पूरी तरह से हरियाली को देखें, इतना आनंद आने लगे हरियाली को देख करके, वाह क्या पूछना है। तारों को देखें रात में, उसमें मगन हो जाएं, उस चीज को देखें। मैंने कहा ना, भोजन करने बैठे भोजन में ही मन लग जाए। आप भोजन के समय ही वार्ता हम करते रहेंगे, अन्य अन्य बातें करते रहेंगे, तो भोजन का हम निगलते चले जाएंगे, लेकिन भोजन का आनंद नहीं आ पाएगा। और ये हम सभी कुछ न कुछ गलती करते रहते हैं, इसलिए उस स्तर पर आप जाग जाएं, तो वहां का रुकना सरल हो जाएगा। या फिर एक दूसरा क्षेत्र है, आत्मा का क्षेत्र है, वहां चले जाएं चेतना के क्षेत्र में, जहां साक्षी की साधना करके उसमें साक्षी भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव क्या है, मौन शांत, शांत रह ले। आप वहां चले जाएं, आपका इस तरह हो बढ़िया, साक्षी की साधना करें, शांत मौन, सबसे अलग थलग आत्मा के पास चले जाएं। नहीं तो आप शरीर के स्तर पर आ जाएं, केवल मन के ही स्तर पर, दिलो दिमाग में ही उलझे रहना। और ये हम शिकायत करते रहे कि ये मन शांत नहीं है, मन चंचल है। पानी, गुरुदेव जी कई बार बोलते हैं और लिखते हैं कि नदी आ रही हो तो नदी की धारा को बदलना है तो आप नहर बना दो, बांध बांध के नहर बना दो, दूसरी दिशा में ले गए। जब दूसरी दिशा में ले गए तो क्या हुआ, उससे बड़ा उपयोगी हो गया भाई। आप उससे सिंचाई का काम, पीने का काम, यहाँ तक के बिजली बनाने का काम, कितना काम हो रहा है, कल कारखाने चलाने का काम। अब जो नदी की मुख्य धारा में जो पानी बहता तो वो पानी सूख गया। ऐसे ही जहां मन की चंचलता थी, जहां भावनाओं की विकृति थी, वो सारी शक्ति जिसके माध्यम से होती थी, उस शक्ति को हमने स्थानांतरित कर दिया इंद्रियों में या शरीर के स्तर पर, हर काम में हमने उसको लगा दिया, या फिर साक्षी की साधना में लग गए, मौन और शांत कहने में लग गए। उतनी स्तर वो स्थिति नहीं है हम मौन और शांत रह सकें, साक्षी की साधना कर सकें, तो इस स्तर में आ जाएं। कहीं ना कहीं हमको उस दशा से अलग होनी है। यह शिकायत करते रहेंगे कि मन शांत हो जाए, मन चंचल है, मन वश। देखिए ये क्या है, परिणाम है, आप ध्यान दीजिए। मन की शांति ये परिणाम है, मन का अमन होना ये परिणाम है, इसको आप लक्ष्य न बना लीजिए। जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी अपने साथी से आकर कहा, अरे आज तो फुटबॉल खेलने में बड़ा आनंद आया, और वो भी चला गया फुटबॉल खेलने के लिए, बड़ा आनंद तो मुझे भी चाहिए, चलो मैं भी खेलूं। गया, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, फुटबॉल को भी किक लगाया, आनंद तो नहीं आया। दौड़ रहा है अब, आनंद की ढूंढ रहा है, आनंद नहीं आया, और इसी में गिरा, चोट लगी। उन्होंने कहा ये बेकार है, मित्र धोखा देता है, फुटबॉल खेलने में आनंद तो आया नहीं, इतना दौड़ा, यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो, वो मुझे धोखा दिया, मेरे पैर को फ्रैक्चर करने में लगा हुआ था वो। ऐसा थोड़ी होगा कि आप आनंद ढूंढते रहे। आप जब फुटबॉल खेलने में पूरी तरह लीन हो गए,
परिणाम में क्या आएगा? आनंद आएगा। अब आनंद ही ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं, मन मेरा अमन नहीं हो रहा है, स्थिति नहीं बढ़ रही है। आप उसके पहले की प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे काम को, उस लक्ष्य को, जो महान लक्ष्य, उसको आप भूल जाइए। अभी अभी पहले शुरुआत करिए। जैसे योग दर्शन बात है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हम क्या कर रहे हैं? शांत हो, एकदम से अलग, एकदम अमन हो जाएगा भैया, वो परिणाम है। इसलिए कम से कम जो निरंतर गतिविधि हमारी जो चल रही है, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, वहां सावधानी बरतना शुरू कर दे, और उन सावधानियों का परिणाम क्या होगा, और साथ साथ साधना भी चलती रहेगी। हम प्रयास तो कर रहे हैं साक्षी के लिए, और वो सारे परिणाम एक साथ मिल करके फिर अपने आप आ जाएगा, मन की चंचलता वहां खत्म होगी। और ये नहीं कर पाएंगे तो केवल हम शिकायत करते रह जाएंगे कि मन शांत नहीं होता। गुरुदेव जी यही लिखते हैं, निरंतर साधना द्वारा ज्ञानोदय हो जाता है और मन की अविद्या मिट जाती है। हमारा तो अभी भी मन की अविद्या नहीं मिटी, अभी भी लग रहा है स्वाद में सुख है, दृश्य में सुख है, उसमें सुख है, निंदा में सुख है, चुगली में सुख है, दूसरे को पछाड़ने, गिराने, डांटने, डपटने में सुख है, आनंद है। ये अविद्या है, ये नहीं मिटी है तो फिर मन की स्वस्थता की भी बात भूल जा रहे हैं। इसलिए स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, या पक्का निश्चय होना चाहिए कि स्वस्थ चित्त संयत चित्त सुखदायी होता है, यह सच है। लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया, हमें अपने जीने के ढंग को बदलना पड़ेगा, बोलने के ढंग को बदलना पड़ेगा, सारे व्यवहार में सजगता और सावधानी लानी पड़ेगी, तो परिणाम में वह आ जाएगा जो हम चाहते हैं।